बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट कढ़ाई, जिसके लिए हमें चाहिए चिकन तकरीबन 1 किलो। स्पाइसेस में हम ऐड करेंगे 1.5 चाय का चम्मच काली मिर्च, कुटी भी ले सकते हैं आप, पिसी भी ले सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट अपना जो हिसाब से आप इसमें शामिल कर सकते हैं। नमक ले लें 1/2 चाय का चम्मच, गरम मसाला जो है वो 1/2 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा जो है वो भी 1/2 चाय का चम्मच। इसके अलावा हमें क्रीम चाहिए, फ्रेश क्रीम आप ले सकते हैं या टेट्रा पैक भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं इस टाइम फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये 4 बड़े खाने के चम्मच, और दही मैंने ली है, ये भी तकरीबन 4 बड़े खाने के चम्मच हैं। और ये कोशिश कीजिएगा कि दही जो है वो ज़्यादा खट्टी ना हो। और लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए हमें 1 बड़ा खाने का चम्मच जो है। और सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में ऑयल मैंने डाल दिया जो कि गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लहसुन अदरक को हमने जो है वो फ्राई, हल्का सा इसका जब कलर चेंज हो जाए तो हमें इसमें चिकन ऐड कर देना है, इसको हमें ब्राउन नहीं करना है। तो हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। फुल फ्लेम पे हमने इसके कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है। अब देखें, चिकन को 5 मिनट हमने ये फ्राई कर लिए। अब हम इसको गलाने के लिए, जल्दी गलाने के लिए इसको हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, चिकन हमारा मज़े से गल भी गया और फ्राई भी हो गया, और हार्ड भी नहीं है, जूसी जूसी चाहिए हमारा चिकन जो है। फिर देखें, जब गोश्त है वो हड्डी से अलग हो जाए तो इस मीन के आपका गोश्त जो है वो गल गया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। तमाम स्पाइसेस देंगे हम इसमें ऐड कर देंगे। स्पाइसेस से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें काली मिर्चें जो है वो ज़्यादा ऐड कर दें। अगर आप कम स्पाइस लाइक करते हैं तो आप ब्लैक पेपर जो है वो कम यूज़ करें। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने इसको 1 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। ये तकरीबन 4 खाने के चम्मच जो है दही है मेरा इसमें, और मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच जो है वो फ्रेश क्रीम वो भी ऐड किए साथ। 5 मिनट तक के लिए इसको हम कवर करके इसको पकाएंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, दही के साथ चिकन को फ्राई होते हुए ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो चुके हैं। बहुत अच्छी सी खुशी है, वो आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देते हैं।
क्रीम ऐड करने के बाद हम इसको 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे, उसको थोड़ा ड्राई होने तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ये देखें हमारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें, जितना आप इसको ड्राई कर रखना चाहते हैं, बिल्कुल ड्राई पसंद है आप तो इसको बिल्कुल ड्राई कर दें। अगर आपने थोड़ी सी लिक्विड रखनी, ग्रेवी रखनी है, तो आप इसको इस स्टेज पे बंद कर दें। अब आखिर में हम इसके ऊपर हल्का सा गरम मसाला जो है वो ऐड करेंगे। जी, हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार है।